कविता का शीर्षक है रातों को जागना होगा। आपकी और हमारी रातों में बस इतना सा अंतर है, आपकी रातें सोकर गुजरती हैं जबकि हमारी रातें जागकर गुजरी थी। यदि अपनी मंजिल को पाना है तो मन में यह ठान लो, रातों को जागना होगा, रातों को जागना होगा। इस ठिठुरन से ठंड में अपने हाथों को रजाई से बाहर निकालना होगा। यदि मंजिल को पाना है तो रातों को जागना होगा, रातों को जागना होगा। अपने हाथों में अपनी फिजिक्स की बुक को लेना होगा और इस ठंडे शांत वातावरण में निश्चितता से पढ़ना होगा, निश्चितता से पढ़ना होगा। अपने कलम से अपने रफ नोटबुक पे इक्वेशन डेरिवेशन को बार बार लिखना होगा, यदि मंजिल को पाना है तो रातों को जागना होगा, रातों को जागना होगा। हर पाठ को बहुत मनोयोग से पढ़ना होगा, क्योंकि इस बार चार चार ऑप्शन होंगे जिसमें से एक सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति को सही सही भरना होगा। एक एक अंक के प्रश्न का उत्तर एक शब्द में देना होगा। यदि मंजिल को पाना है तो रातों को जागना होगा, इस ठिठुरन सी ठंड में अपने हाथों को रजाई से बाहर निकालना होगा। कॉन्सेप्ट एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न का उत्तर मौलिकता से देना होगा। अपने उत्तर से परीक्षक को संतुष्ट करना होगा, तभी अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। यदि मंजिल को पाना है तो रातों को जागना होगा, रातों को जागना होगा। आंकड़े प्रश्नों के बार बार हल करके अपने कौशल को विकसित करना होगा। प्रश्न में क्या दिया है और क्या जानना है, ये जानने के पश्चात सही सही उत्तर में डाटा को बैठाना है, और उत्तर का पता लगाना है। यदि मंजिल को पाना है तो रातों को जागना होगा,